वालेकुम। आज मैं अलग तरीके से पीठी बनाने जा रही हूँ, जिसको आप लोग दाल की दुल्हन कहते हैं। मैं इसमें मीट डाल कर बनाऊंगी। मेरा मीट है 500 ग्राम के लगभग। मैंने इसको छोटे छोटे पीस कर दिए हैं ना, छोटे छोटे पीस करके। मैं 2 मीडियम साइज प्याज है, लहसुन 1 पोटी, स्टार 1 जायफल है, इसको घिस के देंगे। 2 दालचीनी, 3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, और ये 8 पीस दाना लौंग है। मसालों को मैं पीस लूँगी। ये दाल है मेरा 1 ग्लास, और ये आटा है, इसमें नमक डाल के सानूंगी। पहले मैं मसाला पीस लूँ। सबसे पहले देखिए, मैंने एक मिक्सी का पॉट लिए हैं, अब इसमें मसाला पीसने जा रहे हैं। इसमें रैपर को हटा के मैं सब मसाला डाल दूँगी, पीस लेंगे, तो सब पानी डालेंगे, डाल के पीस लेंगे। पानी डाल के इसको पीस लूँगी, पेस्ट बना लेंगे। मैंने मसाले को पीस लिए हैं। मिर्चा 2 चम्मच, हल्दी 2.5, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, नमक और मिर्च अपने अनुसार। इन्हें मैंने तेल डाल दिए हैं। तेल गर्म हो जाए तो मसाला को डाल देंगे, तेज़पत्ता डाल के। तेल गर्म हो गया है, मैं मसाला डाल रही हूँ। ये सब मसाला डाल देंगे, इसमें डाल के भूनेंगे सबको अच्छे से। देखिए मैंने जायफल को भी घिस लिए है। पहले अच्छे से मसाला भुना जाएगा, तब मैं दाल धो के डाल दूंगी, और गोश्त को भी डाल देंगे। मसाला भुना रहे हैं, फिर मैं मसाला भुना गया एकदम अच्छे से। मैंने इधर इसको भी धो लिए, मीट को भी और दाल को भी धो लिए हैं। तेल भी छोड़ दिया, सबको डाल के फिर से भून लेंगे अच्छे से। मैं सब कुछ को डाल के भुनेंगे। देखिए मैं पहले गोश्त डालेंगे, गोश्त डाल के भुनेंगे, फिर दाल की डाल के जाएंगे साथ में, उसको भी भूनते जाएंगे। मैं अब इसको पूरा दिन साथ में भून रहे हैं अच्छे से डाल के। आप मेरे को पीछे बुला रहे हैं, तो भुना गया जब इतना देर गलाएंगे कि वो भी जल जाए, सब कुछ जल जाए साथ में। पूरा दिन भी भुना रहा है, लेंगे। मैंने अपने अंदाज से इतना पानी डाले हैं, फिर बाद में और देख के डालेंगे। अब इसमें प्रेशर लगा रही हूँ, 10 मिनट के लिए रखेंगे 10 मिनट में, कि वो गल जाए। एक बार जरूर आप इस तरीके से ट्राई करिएगा। मीट की दुल्हन बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनते हैं, बहुत अच्छा बनता है। देखिए मैंने इसमें प्रेशर लगा दिए हैं। मैं गैस बंद कर रही हूँ, 10 मिनट हो गए हैं। मैं गैस बंद कर रही हूँ। अब इसमें नमक डालूंगी आटे में, थोड़ा सा इसको लिक्विड जैसा बनाएंगे। पहले इसको अच्छे से मिला लें नमक को।
मैं आटा को पूरा मिलाऊंगी, तुमको अभी पानी डाल के तुम लिक्विड जैसा इसको बना लेंगे। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, देखिएगा छानना नहीं है, लिक्विड बनाना गाढ़ा लिक्विड कि आसानी से हो जाएगा वो। देखिए मैंने ये आटे को छान लिए, इतना बिल्कुल एक भी लम्स नहीं लेना चाहिए, मैं लम्स एकदम नहीं है एक जरा सा भी। तो इसी तरीके से इसको पूरा कर लेना, बेलने वाला भी तरीके से भी होता है, कैसे भी तरीके से मैं बेलने वाला भी अब आपको दिखाऊंगी। और ये भी मैं तैयार हो गया है, और ये जो मैंने मीट को डाले थे ये भी मैं पूरा एकदम गल गया अच्छे से। हल्का सा और पानी डालूंगी थोड़ा सा, क्योंकि वो डालेंगे तो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा ना, थोड़ा सा रखेंगे। और एक मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं, अब मैं इसको चला दूँगी, अब मैं इसमें डालते जाऊँगी छोटा छोटा गोला करके, ऐसे ऐसे कर करके छोटा 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 करके डालते जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये, अब आप लोग ज़रूर ट्राई करें बनाए, बहुत आसान है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत यम्मी लगता है। बिना मीट के भी दाल में बनाऊंगी, देखिए ऐसे बस डालते जाऊंगी मैं फट आराम से, और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे कि सटे नहीं, छोटा छोटा डालेंगे ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा अच्छा लगता है, टेस्ट भी आता है, मसाला पूरा जब्स होते हैं छोटे छोटे, बड़े बड़े में मसाला जब्स नहीं होता। इसको बीच में मैं चला लूँगी एक बार, देखिए मैंने सब डाल दिए है, खाने के बाद इसको मैं चलाऊँगी और 5-10 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये मेरे 10 मिनट हो गया, मैं अब इसको बंद कर रही हूँ, मैं अब सर्विसिंग प्लेट में निकालने जा रहे हैं। ये मैंने निकाल दी है सर्विसिंग प्लेट में, देखिए कितना अच्छा हो, कितना शानदार हो। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।